वेलकम बैक टू माई सेकेंड व्लॉग। आज उदयपुर का सेकेंड है, लेकिन आज हम उदयपुर नहीं घूमेंगे। आज हम जाएंगे श्रीनाथ जी और नाथद्वारा की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमने सामान वामान पैक कर लिया है। यहाँ पे बारिश आ रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही है। अब ये बारिश में तो हम निकल रहे हैं, वैसे भी हम लेट हो जाएंगे नहीं तो नहीं निकलेंगे। तो भैया मिल चुके हैं गुजराती भैया, ये हमें घुमाएंगे। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं महाराणा प्रताप की युद्ध भूमि हल्दी घाटी पे। सो अभी महाराणा प्रताप की युद्ध भूमि पे आ चुके हैं। यही है वो हल्दी घाटी का मैदान जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। तारीख ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ कर देना, बाकी मुझे करेक्ट तारीख याद है, इतिहास में यही लिखी हुई है। और अकबर की तरफ से हकीम खां जी आए थे, नहीं, महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम जी आए थे, और अकबर की तरफ से मान सिंह ने, जो कि जयपुर का राजा था, उसने युद्ध लड़ा था, सेनापति था उनका। और ये देख सकते हैं आप महाराणा प्रताप का, मैं काफ़ी बड़ा फैन हूँ तो उनका इतिहास तो बताना बनता ही है। महाराणा प्रताप इतिहास में काफ़ी नाम बना के गए अपना, और इसी युद्ध में चेतक की भी मौत हो गई थी। गाइस, जो भी मेरी तरह महाराणा प्रताप का फैन है वो इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट करेगा महाराणा प्रताप का नाम। गाइस ये देखो चूल्हे जैसा कुछ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, शायद खाना ही बनता होगा इधर। और यह शॉप है, ये शॉप महाराणा प्रताप के टाइम नहीं थी गाइस, ये अभी बनी है शॉप, हाँ आप समझ लो। काफ़ी सही लग रहा है ये, यहाँ पे अंदर कुछ ऐसा है गाइस, ये देखो पहले मेरे पापा असली बलद चलाते थे, अब नकली बलद के पास खड़े हैं। गाइस ये देखो यंत्र पानी निकाल लेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कुएं में से जमीन में से 50 फीट की गहराई से पानी निकालने वाला यंत्र। चलो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये है पानी वगैरह, और ये ब्रिज है, इस पे ऊपर से चल के जाना है मुझे आगे। गाइस मुझे ये जगह बहुत सही लगी, अगर आप यहाँ पे आते हैं 150 रुपये का टिकट है, लेकिन वो आपको बहुत काफ़ी, मतलब जो फोटो खिंचवाने के हिसाब से और देखने के हिसाब से भी काफ़ी मस्त है ये जगह, तो आप आ सकते हैं इस जगह, ये आपके पैसे व्यर्थ नहीं जाएंगे यहाँ आने के बाद। और आप महाराणा प्रताप के फ़ैन होंगे तो आपका आना बनता ही है, जो यहाँ के कुछ लोग तो आके देख भी लिए होंगे ये जगह को, मेरे जो भी लोग हैं। एक ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये है, और ये फोटो खिंचवाने की जिद कर रही है यहाँ पे खड़ी होके। गाइस ये देखो पानी निकालने की बहुत सारी टेक्नोलॉजी दिखाई मैंने आपको, दो तो दिखाई थी और आगे और भी है, मैंने दिखाई नहीं कैमरे के अंदर, बाकी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई थी, काफ़ी सही लग रही थी। और यहाँ पे दुकानें हैं अंदर, कैंटीन वगैरह, आप अंदर आके कुछ खा भी सकते हैं अगर आपको खाना हो तो, दुकान वगैरह की सुविधा है। गाइस यहाँ पे बोटिंग करने की भी सुविधा उपलब्ध है, जो चाहे वो कर सकता है, 120 रुपये 4 पर्सन के। गाइस ये रहा चेतक, इतने देर ढूंढने के बाद हमें चेतक दिखी गया फाइनली। और यहाँ पे ये चित्र वगैरह बने हुए हैं महाराणा प्रताप के, और ये महाराणा प्रताप साक्षात, और यहाँ ये कैंटीन जैसा बना हुआ है, कुछ बैठने की सुविधा है बच्चों के लिए, क्योंकि आज स्कूल के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। गाइस यहाँ पे ये चित्र वगैरह है, तलवारें वगैरह महाराणा प्रताप की, इनके सबकी, शायद यहाँ पे उदय सिंह की भी होगी। और अभी ये पिक्चर चालू होने वाली है यहाँ पे, पिक्चर में देखते हैं क्या दिखाते हैं। अभी हम आ चुके हैं सेकंड वीडियो मूवी देखने संग्रहालय में। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया, प्रताप मुगलों से लोहा लेने जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,562 फीट की है। इस 8 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिर इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप सुबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। पौंडगढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है।
ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं। सामने लोग देख ही लिया होगा, महाराणा प्रताप के बारे में सब कुछ जान ही लिया होगा। और ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।